करनाल में टीकाकरण उत्सव का आगाज हो चुका है। इसका शुभारंभ करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने रिबन काटकर किया। यह उत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विभाग का लक्ष्य करीब 40,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का है। पहले दिन 8,571 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। 111 सरकारी संस्थाओं और 15 निजी अस्पतालों में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने जनता से अपील की कि टीकाकरण करवाकर वह खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित करे। लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं वह बिल्कुल गलत है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। महामारी के समय में यह वैक्सीन संकट मोचन की भूमिका निभा रही है। इसके कारण ही विश्व भर में भारत की पहचान बन गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर से लगातार केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन है उनका पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए। करनाल में अब 1.25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि देश भर में 10 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीन से लाभान्वित हो चुके हैं। जो भी लोग 45 वर्ष से ऊपर के हैं वो इस टीकाकरण उत्सव का हिस्सा बने और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें। तरुण मोदन और आप इस समय देख रहे समाचार, ऐसे में आपको बता दूं कि इसमें मौजूद करनाल के सेक्टर 13 से डिस्पेंसरी में, जहां पर एक वैक्सीन टीकाकरण उत्सव जो कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण उत्सव लगाया जा रहा है 11 अप्रैल से 14 तारीख तक, जिसका विधिवत उद्घाटन आज करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी ने किया। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या है आज जब पूरे भारत में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है तो लोगों में अवेयरनेस के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सौगात लोगों को दी गई कि वैक्सीन हमारे देश के अलावा विदेशों में भी इसकी पूर्ति की जा रही है। तो आज यहाँ पर टीका महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 दिन का ये एक अवेयरनेस कैंप है जो हर PSC हर हेल्थ सेंटर पे लगाया जाएगा, जिसमें जो हमारे 45 साल से ऊपर के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको हम टीका लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यदि किसी को कोई बीमारी है या किसी को इमरजेंसी है तो उसको भी टीकाकरण किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि टीका लगाने के बाद कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट है, पर बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद टीका लगवाया तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित भी, एक कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि कई बार फील्ड में रहने वाले लोगों को ये डर रहता है कि हम कहीं इधर उधर जाएंगे तो इस बात का खतरा रहता है। और टीकाकरण होने के बाद जिस तरह से हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं उसके बाद अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये आह्वान किया गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीका सभी अपने आप को वैक्सीन करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाएं। आप देख रहे हैं हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सारी PSC CSC सेंटर्स पर, हमारे हेल्थ सेंटर्स पर सभी डॉक्टर्स पूरी टीम हर तरह से जुटी हुई है कि किसी ना किसी तरह से कोरोना वॉरियर की तरह हर उस व्यक्ति को सुरक्षित करना है जो इस संक्रमण में कहीं ना कहीं संलिप्त हो सकता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी आप इस अवसर का लाभ उठाते हुए, ताकि आगे आने वाली कैटेगरी भी हमारी इसका लाभ उठा सके। आप जल्दी से जल्दी 45 साल से ऊपर के तो लगभग मैं ये चाहूँगी कि सभी अपना टीकाकरण करवा लें, ताकि अगली कैटेगरी खुलकर जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकें। मैम, हरियाणा में डे बाय डे केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, मैम इनके लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो अपने को कैसे सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें? बिल्कुल, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले से ही ये आह्वान किया गया कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क भी पहनें, 2 गज की दूरी भी रखें और ध्यान रखें, अपने आप को सैनिटाइज करके भी रखें। पर जब ये बात आज हमारे को सुरक्षित करने की जो वैक्सीनेशन की बात आती है जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि सभी टीकाकरण जरूर करवाएं। उसके बाद तो आप सुरक्षित हैं ही, और इसके साथ साथ आप अपने परिवार को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो ये कैटेगरी खुली हुई है इसमें ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। मैम, प्रशासन ने इंडोर और आउटगोइंग में गैदरिंग के लिए कुछ नियम लागू किए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनको कितना आप सफल मानते हैं कि लोगों को उसकी पालना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन ने गाइडलाइन सुरक्षा के हिसाब से गाइडलाइन जारी की है, और आप देखते भी हैं
कि सभी अब जब पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान लोगों का भटका था कि कहीं ना कहीं हमें इसे मात दे दिया है, पर दोबारा जो सेकंड फेज आई उसके बाद इसके सिम्टम्स भी बदले हैं तो लोगों ने अब फिर से ध्यान देना शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि लोग इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे, प्रशासन का भी और सरकार का भी और खुद का भी ध्यान रखें। जी, अब मेरे से बात करने के लिए मौजूद हैं करनाल के करनाल के सिविल सर्जन। सर, आज का 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण जो उत्सव है वो चलाया जा रहा है, इसके पीछे एजेंडा क्या है, इसके पीछे मुख्य मकसद क्या है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, जैसा सबको पता है कि कोविड के केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे को इस जो वैश्विक महामारी है इसको लड़ने के लिए केवल एक ही हमारे पास हथियार है, वो है कोविड वैक्सीनेशन। तो इस जल्दी से जल्द मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो सके उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये एक अपना आह्वान दिया है कि इन 4 दिनों में हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रबंध किए हैं, लगभग 111 सेंटर्स जो हमारे गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ पर आज वैक्सीनेशन की जा रही है। इसके अलावा हमारे 15 प्राइवेट सेंटर्स पे भी इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि 45 ईयर्स अबव जितनी पॉपुलेशन है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो इन 4 दिन में मैक्सिमम सेंटर्स पे आके अपनी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। और सिटी करनाल में जो हमारे गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं, सिविल हॉस्पिटल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उनमें ये रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन की जाएगी। तो इसलिए अगर आप दिन के टाइम नहीं भी इसको उठा सकते तो आप शाम के भी अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा, बढ़ते हुए केसों को देखकर कोविड प्रोटोकॉल को पूरा ध्यान में रखें, नाक और मुंह ढक के मास्क पहने, अपना प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सर, अभी आपने बताया कि इन 4 दिनों में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है, इसके लिए प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके? देखिए, हम सभी जो हमारी एनजीओज हैं उनको भी साथ हमने उनके साथ मीटिंग्स करी हैं। प्रशासन ने अपने स्तर पे अन्य अधिकारियों को भी इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो हम IEC करवाई जा रही है, जगह जगह पे लोगों को इसके बारे में बताया भी जा रहा है। पंच गांव के लेवल पे जो हमारी आशा वर्कर्स हैं वो घर घर जाके लोगों को इसके लिए आग्रह कर रही हैं। तो इन सभी को देखते हुए हम फिर आपके माध्यम से ये एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके इस 4 दिनों में मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाएं। करनाल में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी होगी? लगभग 1,25,000 वैक्सीनेशन हम करनाल में कर चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इन 4 दिनों में 40,000 से ज़्यादा इंजेक्शन देने का है। सर, मैंने सुना था पीछे 1 या 2 दिनों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई थी करनाल में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिन के लिए कोवैक्सीन जो है वो थोड़ी सी हमारे पास कम सप्लाई में हुई थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे कैंप में वैक्सीनेशन हुई थी, लेकिन अब हमारे पास सफिशिएंट में हमारे वैक्सीनेशन उपलब्ध है हमारे पास। देखिए, ये थे मेरे से करनाल के सिविल सर्जन। इन्होंने बताया कि किस तरह से अब 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इनकी आम जनता से अपील है, आम जनता से अनुरोध है कि अभी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ी से टीकाकरण अभियान में भाग लें, ताकि वो इस वैश्विक महामारी से खुद को भी बचा सके, अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सके। मैं आपको बता दूं कि इस समय करनाल में 111 सरकारी सेंटरों और 15 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, और इसके लोगों को जागरूक करने के लिए NGOs का भी साथ लिया जा रहा है। NGOs के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन करनाल जिले में नहीं परंतु पूरे देश में बढ़ती जा रही है। लोगों को पिछले साल की तरह लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े, इसलिए लोगों से अपील है कि वे अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करें और वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इन 4 दिनों में विभाग का जो लक्ष्य है वो 40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण करना है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।